सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। एआरटीओ प्रशासन व एआरटीओ परिवर्तन ने चलाया संयुक्त टू बुलेट अभियान। आज बदायूं में पुलिस लाइन चौराहे व पहेड़ी चौराहे पर एआरटीओ परिवर्तन सोहेल अहमद व एआरटीओ प्रशासन एनसी शर्मा ने टू व्हीलर वाहनों को चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान दुपहिया वाहनों में साइलेंसर आवाज की तीव्रता चेक की तथा वाहन चालकों को रोककर यह भी समझाया गया कि मोटरसाइकिल में तेज ध्वनि के साइलेंसर न लगवाएं, केवल सीमित ध्वनि के लाइट साइलेंसर ही लगवाएं। बदायूं से रितेश चौहान की रिपोर्ट। सर, आज किस संबंध में यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? जो आजकल ये बुलेट मोटरसाइकिल वाले साइलेंसर को मॉडिफाइड करा लेते हैं, अभी जब शहर में चलाते हैं तो उसकी आवाज़ एक लिमिट से ज़्यादा होती है, जबकि टू व्हीलर की जो आवाज़ है, जो नॉइज़ है, वो 80 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कि जब हमने नापा है अभी, और ट्रैफिक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये हमारे साथ हैं, हमारे एआरटी प्रवर्तन साथी हमारे वो भी साथ हैं और प्रवर्तन सहकर्मी भी साथ हैं, उन्होंने जब चेक किया तो 130-140 निकल रहा है सबका, जो कि नॉइज पॉल्यूशन के लिए बहुत खतरनाक है। इससे अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे आदमी अधिक शोर के कारण मेंटल डिस्टर्ब होता है, उसके कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि मवाद तक भी निकलने लगती है। ये बहुत खतरनाक है, जितना पॉल्यूशन खतरनाक है उससे भी ये भी नॉइज पॉल्यूशन भी कम खतरनाक नहीं होता है। इसलिए मेरा सभी बदायूं वासियों से, सभी टू व्हीलर वालों से निवेदन है कि वो अधिक डेसिमल पर अपनी गाड़ी ना चलाएं, साइलेंसर ना बदलें, जो कंपनी ने बनाया, जो डीलर ने बनाया, उस साइलेंसर को लग लेते हैं। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन